झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सीएम आवास में ईडी की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। जेएमएम की ओर से इसका विरोध करने की तैयारी दिख रही है, लिहाजा ईडी कार्यालय के अलावा सीएम आवास और राजभवन के 100 मीटर के दायरे में भी धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन या मार्च आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में ईडी उन्हें 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वे किसी भी समन पर ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। अलबत्ता उन्होंने खुले तौर से ईडी पर ही राजनीति से प्रभावित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। अब जबकि माना जा रहा है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम खूब चर्चाओं में है। राज्य में सहयोगी दलों के बीच इसे लेकर सर्वसम्मति दिखाई दे रही है। इस प्रस्ताव को लेकर झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों की बैठक भी हुई थी। झारखंड में उपजे इस हालात के बाद अब कल्पना सोरेन की तुलना राबड़ी देवी से की जा रही है, क्योंकि झारखंड में भी अब कुछ कुछ वैसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। अब आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को 1996 में जब चारा घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा था, तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री इसी तरीके से बनाया गया था। 47 साल की कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अनुमंडल के तेंतला गाँव की रहने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाता भी इसी इलाके से है। कल्पना की शादी 17 साल पहले 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से हुई थी। इनके दो बच्चे हैं, निखिल और अंश। कल्पना की संथाली, ओडिया, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। कल्पना के पिता अम्पा मुर्मू भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी और एक बिजनेसमैन है। उनकी माँ एक गृहिणी है। कल्पना बिजनेस और चैरिटी के काम से जुड़ी है। कल्पना सोरेन रांची में एक प्ले स्कूल भी चलाती है। एक प्राइवेट कंपनी की ये डायरेक्टर भी है। ये जैविक खेती से भी जुड़े कारोबार में जुड़ी हुई है। 1946 में रांची में जन्मी कल्पना ने इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई की थी। वे अपने स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप भी चलाती रही हैं। कल्पना सोरेन की कोई बड़ी सियासी अलग पहचान नहीं है, इसलिए उनके सीएम बनने के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए एक वर्तमान विधायक की आवश्यकता होगी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के मुताबिक कल्पना के सीएम बनने के प्रस्ताव पर हेमंत के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन सहमत नहीं थे। हेमंत के भाई ने किसी भी पारिवारिक कलह से इनकार किया है और कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार एकजुट है और निशिकांत दुबे के परिवार में ही कलह होती रहती है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मंगलवार को झामुमो की बैठक में कम से कम 35 विधायक मौजूद थे, जहां कल्पना सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। विधायकों ने कथित तौर पर बिना किसी नाम के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बागडोर सौंपी जाएगी। कल्पना सोरेन भी रांची में राज्य के मंत्री और पार्टी विधायकों की बैठकों में मौजूद थी। ये बैठकें भाजपा के इस दावे के बीच हुई कि ईडी द्वारा उनके दिल्ली आवास पर नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन फरार हो गए। हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से दिल्ली से रांची पहुंचे और वहां पर उन्होंने दो बैठकें की थी। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।